जो भी आपके ऊपर आरोप लगे चाहे वो पत्रकार की हत्या का मामला रहा हो रेप के चार्जेस हो जो भी आरोप आपके ऊपर लगे आप हमेशा ये कहते रहे मोटिवेटेड है तो मोटिवेटेड किसी का तो आ, वो रहा होगा एजेंडा रहा होगा किसी के तो... आ, हम तो ये बता रहे हैं आपको बता भी चुके हैं कि ये ड्रग माफिया हो सकता है या जिनको लगता है कि गुरुजी के साथ इतने ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं किसी को शायद ये भय रहता हो जबकि हमने बहुत बार बोला आज भी बोल रहे हैं कि बचपन से हम राजनीति में नहीं थे ना आज हैं ना कल होंगे नाइनटी टू नाइन्टी टू

चार लाख लोग वो ऐसी जगह नहीं है कि वो टाइट है और एक कमरा और उसमें ये, ये ऐसा कुछ नहीं आ, वो शेरेआम बहुत बड़ा मैदान है और हमारा एक कमरा है जो अभी अभी भी चेक किया है पुलिस ने कि हाँ भाई ये तो एक मंदिर की तरह कमरा है और ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं है कि इतना टफ हो ऐसी चीज़ हम मानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ हम तो ये कह रहे हैं राजनीतिक पार्टियां आपके दर पर आती हैं आपका समर्थन लेने के लिए आप समर्थन देते भी हैं आप अपनी शर्तें मनवाते हैं कि आप नशाखोरी बलात्कार महिला सुरक्षा इन सब मुद्दों पर काम करेंगे तो हम आपको समर्थन देंगे ये ड्रग वाला जो मा, मामला है क्या आपने कभी कोशिश नहीं की कि उसे जानने समझने की कोशिश की जाए वो कौन है कौन सा गैंग है कौन माफिया है जिसके खिलाफ़ सरकार की अदालत की शरण ली जाए उससे मदद ली जाए उनकी चिट्ठियाँ जैसे आती रही तो हमने कहा कि ये तो एक रूटीन सा बन गया है उनका लिख के आना कि हमें इतने लाख का फिर करोड़ का फिर इतने अरब का घाटा डाल दिया तो हम उन्हें फाड़ देते और हमने कभी शुरू से ही ऐसा कभी सोचा ही नहीं असल में हम तेईस साल तक जब रहे गाँव में तो कभी भी किसी पुलिस के पास जाना या ऐसा कभी हमारा हुआ ही नहीं ना हमारे कभी नेचर में ऐसी कोई चीज़ थी और जैसी वो चिट्ठियाँ आई तो हमने कहा शायद किसी की दुर्भावना रही होगी तो हम फाड़ के फेंकते रहे लास्ट तक फेंकते रहे ना हमने कोई कोशिश की कई बार तो हमने बताया तक नहीं लास्ट में वो जो पोस्टर है किसी ने देख लिया तो फिर हमने बताया कि नहीं भाई ये ऐसी चीजें आती रहती छोड़ो आप मैसेंजर ऑफ गॉड आपने लिखा है हाथ पे बा, बांधा हुआ है ये ये है असल में आप लोगों ने मैसेंजर ऑफ गॉड बना दिया ये मस्ताना जी महाराज का नाम है ये शास्त्र जी महाराज है ये हमारा गुरमीत तो गुरुजी ने बोला था कि हम थे हम हैं हम रहेंगे कि हम फकीर एक ही हैं तो इसलिए ये हमने रखा था पर वो अब क्योंकि फिल्म का नाम ऐसा हो गया तो उधर भी जुड़ गए मैसेजर ऑफ गॉड मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं गॉड का आपको लगता है सही मायने में आप एक मैसेज दे रहे हैं भगवान का ऐसा उसमें हमने नहीं कहा हम तो कह रहे हैं संत या फ़कीर या सूफी संत कि उसका मतलब भी अगर हिंदी में निकालें उर्दू में निकालें पंजाबी में निकालें तो यही बनता है कि वो भगवान का संदेश देने वाले को संत कहा जाता है तो इंग्लिश में भी वही मतलब है तो हमने ये भी बोला था कि अगर नाम चेंज करना है नाम चेंज कर लीजिए जो आपको ठीक लगता है कुछ भी कर लीजिए कि फिल्म में तो ऐसा हम नहीं कहते कि हमें हम तो ये कहते कि हम एक फ़कीर हैं एक इंसान है जो इंसान के बीच में रह के जो बुराइयाँ हैं जैसे इन्होंने सईद जी ने बोला अभी अभी कि भई आप अपनी शर्तों पर और हमारी शर्तें क्या हैं हम ये नहीं कहते कि हमारे लिए आप पेट्रोल पंप लगा दीजिए हमारे लिए कोई बड़ी सी गाड़ी ला दीजिए हमें हवाई जहाज दीजिए ये नहीं कह रहे हम कह रहे हैं समाज से कन्या भ्रूण हत्या रोक दीजिए हम कह रहे हैं समाज से नशा हटा दीजिए तो हमें लगता है तो ये पूरे समाज के लिए हम लगे हुए हैं ना कि अपने लिए तो अगर, क्या उसके लिए जो डांस कर रहे हैं आप रोक स्टार के गॉगल्स लगा के काले और पूरे रंग बिरंगे कपड़े तमाम डांस हो रहे हैं और बाहर से टीमें बुलाई गई क्या उसके लिए वो जरूरी था मेस्टेंजर ऑफ गॉड के लिए हमें लगता है ज़रूरी था क्योंकि आज से पहले भी संत पीर फकीर नाचते रहे भगवान के लिए और उसमें हमने जो भी बोला वो भगवान के लिए किसी और चीज़ के लिए नहीं तो बुल्ले शाह हुए हैं बहुत संत महापुरुष हुए हैं जो नाचते रहे ऐसी कोई नई चीज़ हमने नहीं की है और लगता है कि वो ज़रूरी था क्योंकि आज के यूथ को उसकी भाषा में तो उसमें एक डांस भी आ जाता है गाना भी आ जाता है तो उसी की भाषा में उसको बदलना है तो उस तक जाना पड़ेगा वैसा होना पड़ेगा ये सारी चीज़ें एक फकीर ने कब सीख ली ये बहुत दिलचस्प लग रहा है डायरेक्टेड बाय संत गुरमीत राम रहीम सिंह hmm. जी इंसान म्यूजिक आपका लिरिक्स आपके डीओपी आपका बेरोजगार कर दिया चीजें आपने सीख ली uh, हमें नहीं पता कि हमने कोई ट्रेनिंग ली कभी भी नहीं हंड्रेड परसेंट सच है कि हमने ना गाने की ना बजाने की ना इन चीजों की ऑटोमेटिकली हम कहते हम इंसान हैं पर ईश्वर मालिक अल्लाह राम जो भी उस पावर का नाम है कि जब उसकी याद में बैठते भक्ति में बैठते एक बिल पावर आता है कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी यह कर सकते हैं हम हम भी ये कैमरा यहाँ लगाएंगे तो ये शेडो नहीं आएगी ये लाइट कट जाएगी यहाँ से ये नहीं होगा तो हर चीज़ वो हमें लगता है कि वो मालिक की वो पावर है जो ख्याल देती है और हम करते चले जाते कॉन्फिडेंस तो क्या बॉलीवुड से संपर्क किया आपने इन तमाम चीज़ों कोई राय ली गई कोई एडवाइस ली गई जी नहीं. बताया गया था कि कुछ स्टंट मैन को बुलाया गया था लेकिन स्टंट आपने खुद किया और एक बार बच्चे भी थे शायद आप एक्सीडेंट होते होते ट्रक आ रहा था कुछ गलती हुई थी ऐसा कुछ भी वाक्य सुना जी जी वो ऐसा कुछ नहीं था हाँ स्टंटमैन आए थे फाइट मास्टर आई थी डायरेक्टर भी आए थे तो उन्होंने सबने मिल के हमने बैठ के बनाया कि कैसे करना है तो हमने कहा नहीं हम अपने डुप्लीकेट से नहीं करवाएंगे हम खुद करेंगे और जो आपने बोला कि वो था कि कार थी तो वो स्टंट मास्टर ने समझाया था कि एक ने लेफ्ट टर्न लेना है एक ने राइट एक ने लेफ्ट एक ने राइट तो बहुत बड़ा बाइक है जो हमने मोटी वो मोडिफाई किया था तो वो लेके जा रहे थे तो अचानक जिसने आ, राइट लेना था उस लेफ़्ट ले लिया ट्रक ने नहीं नहीं गाड़ी ने कार ने कार यूँ निकली और हम यू निकले लेकिन अचानक उसे याद आ गया कि मैंने तो राइट मारा था उसने राइट मार दिया और साठ के करीब स्पीड होगी शायद गाड़ी की बहुत बड़ा बाइक है तो हमने ईश्वर को याद किया और कट मारा तो एक इंच के फासले से उसमें से निकले और वो ज्योंका तो है वन टेक वही सीन है जब कारों के बीच में से बाइक जा रही है तो उसमें ये हुआ था फिल्में देखते हैं गुरु जी आप नहीं पहले एक फिल्म देखी थी हमने और उसका कारण रहा था कि जो साथी हमारे खेला करते थे वो नशा करते थे तो हमने कहा भी आप नशा छोड़ा हम उनके पीछे पड़े रहते थे तो एक और टूर्नामेंट था क्रिकेट और कबड्डी का तो हम खेल के हटे शाम को तो वो कहने लगे आ, अगर आप फिल्म दिखाओ हमें तो हम आपके साथ नशा छोड़ने जाएंगे तो उनका पक्का कहते पक्का तो हमने तब फिल्म देखी थी ये एट्टी थ्री या टू की ख्याल में नहीं लेकिन अमिताभ बच्चन की थी इतना ख्याल है तो उसके बाद नहीं और वैसे जैसे आपकी खबरें देखते हम देखते रहते चैनल खबरों के दो के बाद लोगों ने कहा गुरु जरूर देखो पहले टी भी नहीं देखते थे तो तब से देखना शुरू किया तो उसमें जो झलकी आपको दिखाते हैं या कुछ वो तो क्या कहना है लेकिन पहले फिल्म वही अच्छा <laughs> कभी, कभी हमने, हमने था, था तब तो अमिताभ बच्चन ही लगे थे अब, अब, अब भी हमें वही देखा हीरोइन का हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं सब कुछ होगा हम नहीं कहते कि नहीं था लेकिन हमने नहीं सोचा किसको कुछ ऐसा

फिल्म का भी सुनाइए वैसे भी सुनाइए जो भी आपको है हमने एक नशे पे जो बोला है दारू को गोली मारो गोली मारो साली को चिल्ला डालो ए गोली मारो साली को चिल्ला डालो मासंडे को गड़े में साड़ो जीवो को ना मारो अंदर से शैतान निकाल जीवो को ना मारो अंदर से शैतान निकालो गुरुजी गालियों का इस्तेमाल सही रहता है Uh, हमें लगता है कि uh, इंसान इंसान को गाली दे इंसान पशुओं को गाली दे अच्छा नहीं रहता लेकिन अगर बुरी चीज़ को इसमें हमने गाली दी जो आप कह रहे हैं इशारा कर रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि उसको अगर कुछ ऐसा कह दिया लोग तो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। तो हमें वो नहीं लगा ऐसा कुछ आपने खेलने का भी जिक्र किया क्या खेलते हैं हम क्रिकेट खेलते हैं अब के टाइम में पहले तो काफ़ी गेम थी पर अब क्रिकेट है वॉलीबॉल है शूटिंग वॉलीबॉल फुटबॉल और लॉन टेनिस है बैडमिंटन है न, बाकी बहुत सारे गेम है हॉकी खेल लेते हैं नेशनल स्पोर्ट्स देखते हैं जी जी शुरू शुरू से से हमारी था थे था कि हम खेला करते थे इंडिया पाकिस्तान हाँ। का मैच होता है बैठ के देखते हैं खुब? नहीं ऐसा नहीं कभी कभार पहले खूब देखते थे पहले क्रिकेट के मैच देखा करते थे फुटबॉल के देखते थे हॉकी देखते थे तो आपके पास इतना टाइम होता है आप फिल्म भी बना रहे हैं मैच भी देख रहे हैं गेम अपने सत्संग के लिए टाइम मिल पाता है जो इतना करोड़ों की तादाद में आपके हम आई लिए अब हम नहीं देख पाते मैच वगैरह पहले जब हम गुरगद्दी पे नहीं आए थे तब की बात बोली कि हम तब देखा करते थे अब तो कभी कभार जैसे आपकी खबरों में जो चीज़ आती है वो जरूर देख लेते हैं कि हाँ भाई इंडिया कहाँ जा रहा है कौन सा प्लेयर अच्छा चल रहा है कहीं ना कहीं कभी कभार वो देख लेते हैं और बाकी हमने तालमेल बनाया हमारा रूटीन पहले होता था कि दो घंटे सुबह दो घंटे शाम हम लोगों के लिए देते थे तो जैसे ही फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो पूरा दिन बाहर रहते थे तो जैसे हमने सीन दे दिया उसके बाद कैमरा लगना है थोड़ा चेंज होना है तो हम उनको थोड़ा बताते और हम चले जाते तो वहाँ बीमार है, बैठे हैं नशेड़ी बैठे उनसे मिलते आपकी तो बेट... सारा दिन ही चलता रहा आपकी बेटी ने भी काम किया उसके अंदर फिल्म में? जी हाँ फिल्म में बेटी ने गाया है जो पापा दी ग्रेट ये सॉन्ग उन्होंने गाया छोटी बच्ची ने सुनाएंगे दो लाइन जरा क्या है उन्होंने जो गाया पापा ग्रेट मेरे पापा दी ग्रेट पापा ग्रेट मेरे पापा ऑल ही करे मुझे प्यार सारी दुनिया करती थी तो ये बेसिकली एक वैश्यावर्ती में लिप्त लड़की की स्टोरी है कि माँ बाप ने उनको बेचा तो हम उनको लेके आएँ सत्रह शादियाँ हैं तो ये लड़की गा रही है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि मेरी मैरिज होगी